कैसे बच्चों, देखिए बाबू, आप लोग का जो एग्ज़ाम अटल बिहारी वाजपेयी वाला होने वाला है, तो उसमें हम इंग्लिश का आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। तो हम आपको जो प्रीवियस ईयर का वीडियो डाले हैं, प्रीवियस ईयर का सॉरी, उसमें आपका भले कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट डाल दिए हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और देखिए इस टाइप में ये भी क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि देखिए यहाँ पे, और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो उत्तर प्रदेश प्लेलिस्ट में, उत्तर प्रदेश प्लेलिस्ट नर्सिंग में, जाकर अपना क्या हो सकता है अपना देख सकते हैं कि एग्जाम के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल डाले हैं क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। ओके, तो चलिए हम इंग्लिश का और सेट प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द गिवन वर्ड, यानी आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो साइनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, और वहीं अपोजिट, और फिर अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है। फिर उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर आपका उसके बाद पूछता है क्या पूछता है, अप्रोप्रिएट वर्ड पूछता है। तो अप्रोप्रिएट वर्ड पूछता है, अप्रोप्रिएट क्या होगा, अप्रोप्रिएट वर्ड पूछता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद करेक्ट स्पेल्ड पूछता है, करेक्ट स्पेल्ड स्पेलिंग वाला जो करेक्ट हो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वो पूछता है। और भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता ही दिया आपको, आइडम फ्रेज पूछता है, सब आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, चलिए अपोजिट वाला करा देते हैं। कर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कर इंडिजिनियस, तो देखिए इसका मीन, देखिए तो इसका अपोजिट हमको खोजना है। तो दे दिया नेटिव, क्या दिया, नेटिव, चीप, फॉरेन, इन्फेरियर। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इंडिजिनस मतलब होता क्या है। तो इंडिजिनस मतलब क्या होता है बाबू, तो ये होता है आपको स्वदेशी, स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी क्या होता है, तो स्वदेशी, तो स्वदेशी का आपको भी पता है अपोजिट स्वदेशी का क्या हो जाएगा, विदेशी। स्वदेशी का क्या हो जाएगा, विदेशी। तो चलिए विदेशी का आप लोग पता क्या होता है, इसको कहा जाता है फॉरेन, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन, यही हो जाएगा। तो आपको वर्ड मीनिंग याद होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए दूसरे में क्या कहता है, फ्रेल, क्या कह दिया, फ्रेल। तो इसका देखिए क्या होगा, तो फ्रेल का मतलब सबसे पहले आप लोग मीनिंग पता होना चाहिए। तो फ्रेल का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है दुर्बल, दुर्बल समझते हैं, कमजोर, दुर्बल कमजोर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप ही देखिए दुर्बल का क्या होता है, आपको भी पता है ना दुर्बल का क्या हो जाएगा, तो आपको भी पता है कि दुर्बल का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब ऑटोमेटिक क्या हो गया, मजबूत। ओके कंप्लीट, चलिए आगे बताते हैं। करें विथिन मतलब क्या होता है, तो आपको भी पता है मतलब अंदर, विथिन के मतलब क्या होता है, अंदर के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, बाहर, तो क्या हो जाएगा बियॉन्ड, क्या हो जाएगा बियॉन्ड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बियॉन्ड के बाहर। तो कंप्लीट, इसलिए बोले आपको वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। फिर दे दिया, कि ब्रेजन, ब्रेजन ब्रेजन क्या दे दिया आपको, ब्रेजन। तो ब्रेजन का क्या होता है, तो ब्रेजन मतलब क्या होता है, तो ब्रेजन मतलब होता है आपको क्या हो जाएगा, निर्लज, निर्लज समझते हैं ना आप लोग, निर्लज जिसका मतलब जो शर्म वरम नहीं हो, मतलब अनादर करता हो, तो जो अनादर करता हो मतलब निर्लज हो, निर्लज हो जो मतलब जो आपका जो आदर उदर नहीं करता हो, अशिष्ट हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपको भी पता है, तो उसका डिसलेसियस ही थोड़ा होता है स्वादिष्ट। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए, तो ब्रेजन इसको तो हो गया, देखिए डिसलेस ई तो नहीं होगा। फिर आपको इनोसेंट, इनोसेंट मतलब आपको ही पता है ना कि वहीं निर्दोष, हेल्पफुल, तो इसका क्या होगा, जो निर्लज होगा, असिस्ट होगा, उसका क्या होगा ऑटोमेटिक बात है कि रिस्पेक्टफुल, यानी क्या क्या होगा, जो आदरणीय, समझ गए आप लोग। तो इसका कैंसर हो जाएगा, फोर कैंसर हो जाएगा आपको बी, पहले ए। फिर कह रहा है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, तो एडवर्सिटी मतलब होता है आपका, एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, तो चलिए एडवर्सिटी मतलब होता है आपको, एडवर्सिटी कहाँ गया, एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी मतलब होता है आपदा, क्या होता है बाबू, आपदा, आपदा समझते हैं ना, आपदा, 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 एडवर्सिटी मतलब क्या होता है बाबू, तो आपदा होता है। तो आपदा का क्या उल्टा होता है, ऑटोमेटिक बात है विपदा होगा,
तो ये तो होगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होगा विविधता, तो विविधता का आपदा का उल्टा विविधता थोड़े होगा, तो आपदा का उल्टा होगा समृद्ध, प्रॉस्पेरिटी। आपको एक पता है इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको इस प्रकार, देखा इस प्रकार एग्जाम में आपके अपोजिट अगर वर्ड पूछ दे तो आप लोग बना सकते हैं ना, कि यानी आपको लोग क्या करना है उसका उल्टा मीनिंग नहीं होता है उल्टा हिंदी में, वहीं क्या करें आपको इसको कंप्लीट आपको कर देना। ओके चलिए आपको आगे बताते हैं, तो देख लिया आप लोग किसका इसका अपोजिट वर्ड, ऐसे ही एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन आप में रहेगा। ओके गुड, फिर देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन टू द ब्लैंक्स टू बी फिल इन द अप्रोप्रिएट वर्ड। हम बोले ना अप्रोप्रिएट वर्ड एग्जाम में पूछता है, अप्रोप्रिएट वर्ड आपका फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूजन द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ फोर। यानी आपको चार ऑप्शन दिया रहा है, उसमें से आपको एक करेक्ट आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक करेक्ट क्या करना है, एक करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है और तीनों को छाट देना है, यानी आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। ठीक है तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए क्या कर रहे हैं, सी इज कंपेयर स्टेड डैश दे दिया, फिर कह रहा है द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग, तो आपका, तो देखिए बाबू यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि सी इज कंपेयर स्टैंड डैश दे दिया एट द लॉस ऑफ हियर बिलोंगिंग्स। तो देखिए सबसे पहले इसको भरने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बताए थे ना, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ ध्यान देकर करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इसमें सटीक चारों में से कौन बैठेगा, जिसे वाक सूटेबल लगेगा, यानी वर्ड वाक के जो होगा आपका पूरा मस्त, मतलब ना होता है कि पूरा आपका फिट बैठ जाएगा। ओके ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा और ये चूँकि बनेगा कैसे। ठीक है तो देखिए क्या कर रहे सी वाज कंपेयर स्टैड, तो देखना है यहाँ पे कि स्टैड के बाद स्टैड ओवर, स्टैड फॉर, स्टैड एंगेज्ड, स्टैड एट, तो स्टैड कंपेयर स्टैड एट, तो आपका भी पता है ओवर मिस क्या होता है, फॉर के लिए एंगेस्ट के विरुद्ध और एट मतलब, आपको भी पता है कि कहाँ का उपयोग होता है ये सब प्रीपोजिशन का, इसलिए बाबू आप लोग क्या कीजिए कि जिसके पास ग्रामर होगा वो प्रीपोजिशन अपना पढ़ ले, ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा वो क्रैक कर सकेगा, इंग्लिश में उसका बढ़िया नंबर उड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे तो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो चलिए, यानी इसका कह रहा है शी वाज कंपेयर, यानी उसकी तुलना किसके लिए, तो किसके लिए उसकी तुलना की गई, उसकी तुलना उसके समान यानी उसके नुकसान के लिए, यानी लॉस ऑफ फॉर बिगनिंग, यानी कह रहा है कि उसकी जो तुलना उसके समान के नुकसान के लिए मतलब की गई, तो इसका कहने का मतलब उसके नुकसान के लिए का मतलब क्या होता है फॉर, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा बाबू, यहाँ पे लग जाएगा फॉर, ये थोड़ा होता है कि उसकी तुलना उसके समान के विरुद्ध की गई, उसके समान पर की गई, उसके समान के ऊपर की गई, थोड़ा होगा समान के लिए की गई। कंप्लीट फिर देखिए, फिर कह रहा है कि आपका कह रहा है कि ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड दिस वर्क। ठीक है तो चलिए इसका देखा जाए कि ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड दिस वर्क का इसका क्या होगा। ओके चलिए बच्चों आगे देखिए, कह रहा है कि ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड और डैश दिस वर्क, तो यहाँ पे आपको देखना है कि टू लगेगा कि ऑन लगेगा कि विथ लगेगा कि बाई लगेगा, तो उसे यह काम सौंपा गया, तो उसे यह काम सौंपा गया तो क्या लग जाएगा वो उसे काम, तो बाई आप लोग समझते हैं ना, बाई का मीनिंग भी, विथ का मतलब भी, तो इसका जो सटीक होगा सूटेबल होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बाबू विथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा विथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विथ हो जाएगा विथ। चलिए आगे बताएं, आगे फिर क्या कर रहा है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है लेट्स मेक डैश आवर क्वारल एंड बी फ्रेंड अगेन, यानी कह रहा है कि लेट्स मेक चलो, तो लेट्स मेक यानी चलो क्या करते हैं आवर क्वारल, मैं अपने झगड़ा को क्या करते हैं सुलझा लेते हैं और फिर क्या करते हैं फिर से दोस्त बन जाते हैं।
तो यहाँ पे सटीक क्या बनेगा इसका जो लगेगा। तो चलिए चलो झगड़ा सुलझा लेते हैं और उसका क्या करते हैं हम फिर दोस्त बन जाते हैं। तो इसका जो होगा वो आपको होगा अप 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 का मतलब समझ रहे, लेट्स मेक अप और क्वारल, यानी चलिए अप का मतलब यहाँ पे हो गया समाप्त करना, समाप्त करना, समाप्त करना द एंड। तो जो हम चलिए मतलब कह रहे दोस्त के बीच में कि चलो अपना अपना दोस्त दोस्त कि हम अपना झगड़ा खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, अप क्वार आवर क्वारल, और अभी थोड़े का कि ऑफ कर देते हैं, मैंने अपने झगड़ा को ऑफ ऑफ भी नहीं होगा। आपको ही पता है कि ऑफ का प्रीपोजिशन पढ़िएगा पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा विथ के साथ, आउट बाहर, चलिए अपने झगड़ा को बाहर, ये सब। तो अप यहाँ पे क्या होगा सटीक लगेगा, ठीक है। फिर कह रहा है सी एल एड डैश हिम एंड ही हॉस्टली रिटेड रिट्रेड। तो सी एल एड डैट हिम यानी वह उस पर चिल्लाई, उस पर चिल्लाई, उस पर चिल्लाई, उस पर चिल्लाई ना, तो क्या हो जाएगा उस पर चिल्लाई तो चिल्लाई। तो यहाँ देखिए टू टुआर्ड ऑन एट, तो क्या हो जाएगा नोवा का, नोवा कैंसर हो जाएगा आपको, नोवा कैंसर हो जाएगा आपको डी, माने एट मतलब आपको पता है ना एट मतलब होता है पर, तो यहाँ पर सटीक क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा एट। तो सी एल एड एट हिम एंड हॉस्टली रिटेड, ठीक है। फिर कह रहा है आई डिवोटी मच ऑफ माई टाइम, मैं अपने ज़्यादातर समय क्या करता हूँ राइटिंग लिखने में लगाता हूँ। तो आई डिवोटी आपको अपने पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा ठीक है कौन खराब है। तो आई डिवोटी मच टू माई टाइम, तो टू टू राइटिंग की ऑन राइटिंग की एट राइटिंग की इन राइटिंग, तो सटीक बात है मैं अपना ज़्यादा समय लिखने में का क्या होगा ए इन होगा। तो इसका क्या हो जाना चाहिए बाबू, इसका हो जाना चाहिए 10 का आंसर आपको इन मतलब तुम एम ए हो गया, लेकिन ऑन पर बोले ऑन मतलब आपको ही पता है एट का एट भी होता है मतलब टू, यहाँ पे जो सटीक हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे जो सटीक होगा वो हो जाएगा आपको 10 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई डिवोटी मच माई टाइम, माई टाइम टू, माई टाइम टू राइटिंग, नहीं होता ऐसे मतलब टू लगेगा यहाँ पे। तो सटीक क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको टू, सटीक क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा टू, देख लिया आप लोग, तो सटीक क्या हो जाएगा आपको टू हो जाएगा। ओके गुड। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव, चार आपको अल्टरनेटिव दे दिया गया है, चूज ऑन वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ऐसे एग्जाम में पूछता है कि आपको जो चार दे दिया जाए लेकिन उसका क्या बेस्ट एक्सप्रेस आपको क्या करना है, तो आपको बेस्ट एक्सप्रेस आपको देना है। तो क्या हो गया फिल्थी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गंदा, गंदा समझते हैं ना डर्टी, तो देखिए डर्टी तो मिल ही गया, अब फिल्थी का हेल्दी थोड़े होगा जो मतलब फिल्थी का मतलब है गंदा, तो इसका बेस्ट एक्सप्रेस आपको हेल्दी थोड़े होगा अगली कुरूपी, तो दूसरा हो गया एंग्री गुस्सा, इसका जो सटीक क्या होगा आपको ही पता है कि डर्टी मतलब गंदा होता है, तो 16 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको कि नोस्टालॉजिक, नोस्टालॉजिक है ना यहाँ पे नोस्टालॉजिक, तो देखिए नोस्टलॉजिक इसका का थीम है बाबू, इसका है कि नोस्टलॉजिक मतलब क्या होता है याद में आतुर समझ रहे हैं, मतलब उदास है घर के याद में कि नहीं होता है कि याद में आतुर, तो क्या है याद में आतुर मतलब नहीं होता है कि घर के याद में उदासी है कि हम काश घर जाते, चाहे घर से बाहर रहने का नहीं होता एक प्रकार का। तो इसका देखिएगा तो होमसिक, तो इसका सटीक आपको भी देखिएगा ए बेस्ट एक्सप्रेस इसका होमसिक हो जाएगा, क्योंकि होमसिक का भी मीनिंग होता है ना कि मतलब घर से जो बाहर रहता है वो मतलब गृह आतुर मतलब घर आने के लिए बेचैन रहता है, दोनों का मीनिंग वही है सेम ही है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका होमसिक हो जाएगा। कॉम्बैट आप लोग समझ रहे हैं ना कि कॉम्बैट आपका मतलब नहीं होता, देखे होंगे आपको एंटी में कुछ मतलब देखे होंगे कि कॉम्बैट आपका फाइटर जेट है कॉम्बैट है, तो कॉम्बैट फाइटर तो एक ही हुआ, कॉम्बैट का मतलब ही क्या होता है तो मतलब लड़ाई करने वाला, तो कॉम्बैट कॉम्बैट का मतलब क्या हो जाएगा लड़ाई, कॉम्बैट का मतलब हो जाएगा लड़ाई, नहीं देखते हैं कॉम्बैट ही विमान है फाइटर जेट है वही हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट ये थोड़े है कि कॉम्बैट का मतलब लड़ाई, तो कॉन्फ्लिक्ट विवाद, और आपका ये थोड़े है विवाद, विवाद भी नहीं होगा, फिर
फिर ये सब क्वारल द झगड़ा फाइट, तो कॉम्बैट का नहीं होता है कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब कॉम्बैट कची है हवाई जहाज मतलब जो भी है, तो ये आपका फाइट मतलब फाइटर जेट है, तो वही ऐसे ही हुआ लड़ने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका फाइट। तो कॉमन सेंस का भी आपको क्या करना है, यूज करना है। ओके गुड, चलिए इसको बता के बताते हैं। कह रहा है कि सबसाइड, क्या कह रहा है सबसाइड, तो सबसाइड मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बाबू कह रहा है कि सबसाइड, सबसाइड का मतलब ही होता है कमी होना, कमी होना। तो इसका देखिए सरेंडर, आत्मसमर्पण, सबमिट मतलब प्रस्तुति, ऑपरेश, तो ये सब तो होगा नहीं। तो इसका जो सटीक हो जाएगा, इसका जो सटीक हो जाएगा, जो इसका सटीक हो जाएगा, तो मतलब ऑपरेट मतलब होता है क्या करना, जुल्म, जुल्म करना, ऑपरेश मतलब, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको ऑपरेश मतलब क्या होता है, जुल्म करना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको, इसको हो जाएगा सबड्यू। सबड्यू क्या है, इसका बेस्ट एक्सपीरियंस। सबड्यू का मतलब क्या होता है, मताहत होना, क्या होना, नहीं होगा मताहत होना मतलब, मताहत यानी बस में होना है मतलब, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका क्या है, उसके बाद एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड इसका क्या होगा, तो एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, तो एब्सकॉन्ड मतलब होता है आपको बता दे, इसका जो हो जाएगा मतलब भागना, भागना मतलब समझ रहे हैं ना, एब्सकॉन्ड मतलब हो, एब्सकॉन्ड मतलब होगा फरार होना, नहीं होता है फरार हो गया, तो फरार होना, तो फरार होना, तो फरार होना, तो ये मुड़ना ही थोड़े होगा, मैनेज करना, एवॉयड, एवॉयड, एवॉयड थोड़े होगा, इसका जो सटीक होगा वो हो जाएगा आपको, आपका ये हो जाएगा फ्ली, नहीं पड़ेगा फ्ली अवे यानी भाग जाना, तो वहीं मैंने फरार हो जाना। इस प्रकार देखा आप लोग ने कि कैसे एग्जाम में पूछता है बाबू, तो इसका क्या हो जाएगा एब्सकॉन्ड का, इसका हो जाएगा फ्ली। गुड, चलिए उसके बाद आगे बताते हैं किस टाइप के एग्जाम में आपके पैटर्न सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कह रहा है कि फॉर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर प्रिंटेड द बोल्ड बिलो द गिवेन फोर अल्टरनेटिव ऑफ द बोल्ड पार्ट ए बी सी विच मे बी इम्प्रूवमेंट्स, सॉरी इम्प्रूवल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है, इन द केस नो इम्प्रूवमेंट ऑफ द नीड ऑफ द आंसर इज डी, यानी अगर कोई और इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या करना, आपको डी दे देना है। तो चूंकि इसको हम अभी अगले नेक्स्ट में करा देंगे, लेकिन अभी जो जो यूजफुल है, और चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो हम और जो कुछ कुछ करा देते हैं, और आगे भी, और जो इंग्लिश का मॉडल सेट 3 डालेंगे उसमें आपका इम्प्रूवमेंट वाला करा देंगे। तो खैर पहले ये वन वर्ड सब्सिचुएशन वाला पढ़ लीजिए। तो देखिए बाबू यहाँ पे करे इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव चूज वन वर्ड सब्सिचुएशन, करे ना वन वर्ड सब्सिचुएशन इज द वर्ड सेंटेंस, तो कुछ नहीं है, जो सीबीएसई से पढ़ा होगा ना, चाहे जिसका वोकैब कंप्लीट होगा वो आराम से क्या कर सकता है, आपको कंप्लीट कर सकता है, और उसका पूरा इंग्लिश का इंग्लिश पूरा सही हो जाएगा। तो चलिए क्या कह रहा है, तो चलिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि वन हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड्स मेन, कितना बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी समझा दीजिए, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि वन हु स्पीक्स, सीबीएसई वाला तो खुद समझ जाएंगे। कह रहा है कि वन हु स्पीक्स आवर अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेज, यानी जो बहुत भाषा को क्या करता हो, बोलता हो, समझता हो, तो आपको भी पता है कि उसको क्या कहा जाएगा, जो बहुत भाषा को बोलता हो समझता हो, तो स्कॉलर तो मतलब होता है एक विद्वान, लिंग्विस्ट इसका भी दूसरा हुआ जर्मन, तो इसका क्या हो जाएगा ग्रामरियन, इसका हो जाएगा पॉली, इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका हो जाएगा आपका पॉलीकॉट, इसका हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुभाषी, क्या होता है बहुभाषी, बहुभाषी समझ रहे हैं ना, जो बहुत भाषा जानता हो बोलता हो, इसका हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए आगे, एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पूछने का सवाल ही नहीं है, वीवीआई है, आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ के जाइए, पूछता ही है इसी पैटर्न पे। करे टू टॉक विथआउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग स्क्वायर और हॉली, मैंने जो जो टॉक करता हो, बातचीत करता हो विथआउट रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्ट नहीं देता हो, जो बातचीत करता हो विथआउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग स्क्वायर और होली, मतलब जो पवित्र जो कोई चीज़ हो गए, कोई गॉड या कुछ भी, तो क्या करता है वह बातचीत करता है उनके बारे में विथआउट रिस्पेक्ट, यानी उनकी निंदा करता है, ऑटोमेटिक बात है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो कुछ कुछ है सब तो देखते हैं ना, ठीक है, मतलब भगवान राम को कितना पवित्र बोलेगा सब की, और मतलब लोग
खैर राम गढ़ते हैं उनके नजरों में। तो एक बात जानते हैं ना आप लोग कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, वही बात है बाबू कि कह रहे हैं कि टू टॉक विथआउट रिस्पेक्ट द समथिंग, यानी जो जो क्या करता है, जो होली हम लोग के जो पवित्र है या कोई भी धर्म के हैं, तो क्या करता है उसका जो क्या करता है आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है वो, मतलब और समथिंग इसके मतलब नहीं होता है तरीके त्रुटिपूर्ण बोलेगा आपका अपशब्द बोलेगा, तो उसको क्या कहा जाता है जो मतलब ईश्वर की निंदा ही हुआ एक तरीका से, होली मतलब पवित्र। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा आपको पहला, इसका क्या हो जाएगा पहला, ठीक है। तो देखा आप लोग ने, कह रहा है कि टू टॉक विथआउट रिस्पेक्ट ऑफ जो अब मतलब नहीं करता उसको क्या कहा जाता है, तो इसको बाबू कहा जाता है आपको, ऑप्शन ए होगा, क्या होगा ए होगा। तो इसका क्या हो जाएगा ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है इस निंदा, इस निंदा समझते हैं ना, इस सॉरी यहाँ से इस जो क्या होगा इस निंदा, इस निंदा। तो इसका क्या होगा बाबू इस निंदा। तो भारत में भी कानून बनना चाहिए कि जो भी राम को चाहे जो भी हमारे आराध्य जो भी हो शंकर जी या कोई भी किसी को अपशब्द बोले तो उसका उसका भी मतलब उसको हम इस बात पे सहमत हैं कि उसको क्या करना चाहिए उसका मतलब उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो वही है इस निंदा समझ गए। कह रहे लैंड सो सराउंडेड बाई वाटर एज द ऑलमोस्ट एन आईलैंड, यानी भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग जो भूमि मतलब पानी की इतनी मतलब जो भूमि का वह भाग जो चारों तरफ पानी से ही घिरी हुई हो लगभग एक द्वीप हो तो उसको क्या कहा जाता है, पेनिनसुला बोला जाता है। अब चलिए हम मैप के थ्रू आपको बता देते हैं कि पेनिनसुला किसको बोला जाता है। क्वेश्चन का कह दिया कि लैंडेड सो सराउंडेड बाई वाटर एज टू द एलमोस्ट ऑफ आईलैंड, यानी भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और ऐसे ही पेनिनसुला बता देता आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए हम आपको मैप के थ्रू बताते हैं, तो चलिए आपको मैप के थ्रू बताते हैं कि जो पेनिनसुला किसको बोला जाता है। तो ये रहा हमारा प्यारा अर्थ, अब देखिए इसमें पेनिनसुला क्या होता है, तो चलिए हम इसको जूम करते हैं। चलिए यह हो गया हमारा प्यारा भारत, क्या हो गया ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यही है ना इंडिया। देखिए पेनिनसुला किसको बोला जाता है, पेनिनसुला किसको बोला जाता है, ओके ठीक। तो देखिए हम यहाँ पे आपको बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक साइड दो साइड और ये एक यहाँ पे जो थ्री राउंडेड तीन ओर से क्या हो पानी से घिरा हो, एक साइड दो साइड और ये एक यहाँ पे बाबू तीन साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपके ये पेनिनसुला कहा गया, तो भारत भी क्या है एक प्रायद्वीप, प्रायद्वीप बोला जाता है प्रायद्वीप। तो ये क्या है ये पेनिनसुला है, अधिकांश भाग देखिएगा इसके पानी से घिरा हुआ है। अब इधर आइए और सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा है आपका आपका अरेबियन, ये जो है ना अरेबियन ये क्या सबसे बड़ा पेनिनसुला है, और एग्जाम में ये पूछ देता है हम पढ़ाए हुए हैं इसलिए अगर रिपीट कर दिए हैं कि जो एग्जाम में सबसे बड़ा होता है वो पेनिनसुला कौन होगा, तो सबसे बड़ा अरेबिया पेनिनसुला है। देखिए इसमें आपके सब आते हैं, जॉर्डन कुवैत बहरीन सऊदी अरेबिया सब आते हैं, ठीक है। और आपको पता है ना यहीं पे इसराइल है, ठीक। यहाँ पे आप लोगों ने देखा किस प्रकार पेनिनसुला का, इसका भी देखिए एक तरफ पानी, फिर देखिए एक तरफ पानी, फिर देखिए एक तरफ पानी, तो इसी को क्या कहा जाता है बाबू पेनिनसुला हुआ। हमारा इंडिया भी क्या है एक पेनिनसुला है, एक तरफ एक दो तरफ और एक बाबू तीन तरफ, कंफ्यूजन दूर। चलिए आपको बताते हैं सवाल पे अपने चलते हैं। तो बाबू देखा आप लोग ने, करेक्ट लैंडेड इज सराउंडेड बाय द वाटर ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ आईलैंड, तो इसका क्या होगा पेनिनसुला, कहानी खत्म। वही तो पूछता है ना कि वन और सब्स्टिट्यूशन के मतलब कि जो इतना कहा जाता है उसका एक मीनिंग क्या होगा। द प्लेस एडजॉइनिंग किचन फॉर वॉशिंग डिशेज डिशेज, जो कह रहा है कि मतलब किचन का वह प्लेस जहाँ पे बर्तन को क्या किया जाता है, यानी रसोई का वह स्थान जहाँ पे बर्तन धो मतलब आदि को धोया जाता है, तो उसका क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्कलरी। स्कलरी मतलब क्या होता है आपका बर्तन धोने का जगह, समझ गए आप लोग। फिर आगे नेक्स्ट में दे दिया चूंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करा रहे हैं, फिर कर इनकैपेबल ऑफ बींग वाउंडेड, यानी घायल होने में जो क्या हो वो असमर्थ हो, तो उसको क्या हो कहा जाता है इन वुलनरेबल, इन वुलनरेबल इसका मतलब क्या होगा अभेद, अभेद अभेद समझ रहे हैं, जिसको ना भेदा जा सके, तो जब वो भेदे नहीं जा सकता जब उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा तो घायल कहाँ होगा, ओके कंप्लीट। चलिए आपको आगे बताते हैं, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप आर फोर वर्ड्स ऑफ द गिवन
अब द करेक्ट स्पेल्ड बोले है ना, करेक्ट स्पेल्ड पूछता है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो आपका सही हो ना, आपका जो सटीक हो वहीं आपको आंसर देना है तुमको, नहीं जिसका वोकैब कंप्लीट वोकैबुलरी वहीं आपको बढ़िया से नंबर उठा पाएगा इसमें। ओके देखिए 31, 31 में आपको क्या दे दिया, तो बाबू 31 में आपको दे दिया, चलिए हम आपको 31 का हम आपको कंप्लीट करवाते हैं। तो चलिए पढ़िए आप लोग 31 में क्या लिखा हुआ है। तो 31 में आपका जो सटीक देखना है कि देखिए, तो पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है ना कब्जा या अधिकार करना, तो पोजेशन का जो सटीक देखिएगा, तो पोजेशन का जो आप लोग सटीक देखिएगा वो क्या होगा, तो बाबू इसका हो जाएगा आपका सी, जो पोजेशन का सही सटीक होता है आपका, करेक्ट स्पेल्ड करा है ना, यानी जो गलत वाले को छांट देना है और करेक्ट स्पेल्ड वाले को, मतलब करेक्ट स्पेलिंग वाला उसका सही आंसर होगा। तो ऑटोमेटिक बात है जिसका वोकैब कंप्लीट उसका ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, पोजेशन का इसका होता ही नहीं है, इसका ऐसा भी नहीं पोजेशन लिखा जाता है, इसका भी नहीं लिखा जाता है करेक्ट, आपको भी पता है कि ऐसा ही लिखा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको पोजेशन ऐसा मतलब अधिकार, अधिकार समझ रहे हैं ना, अधिकार बाबू इसका क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। चलिए दूसरा, दूसरा में लेसर, लेसर लेसर मतलब क्या होता है फुर्सत। अब देखिए फुर्सत लिखा है तो लेसर इसका होता है लेसियोर का, इसका क्या होता है फुर्सत होता है, तो इसका जो सटीक होता है वो क्या होता है बाबू, इसका होता है आपको, आपको ही पता है कि ये जो क्या है यही सही और बाकी क्या जो इरर है। ओके तो इसका क्या होगा आपको फुर्सत, तो आपको करेक्ट स्पेल्ड करना है बढ़िया है। फिर देखिए आगे कर रहा है बुके, बुके समझ रहे हैं फूलों का गुच्छा, तो बुके का सही स्पेलिंग क्या है, तो आपको पक्का पता है ये सही है बुके का, BUBOUQUET, और ये क्या है और सारे गलत है, तो इसका क्या होता है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे गुच्छा गद्दा ना ही ना लिखा गया ना, गुच्छा ही लिखा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कैसा कैसा आप लोग को मतलब दे देगा याद बनाने के लिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे आपको दे दिया, सॉरी यहाँ पे नीचे कर दे इसको, कह रहा है कि पिटिएबल, पिटिएबल 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 मतलब क्या होता है, तो आपको भी पता है ना कि दया से रिलेटेड है ये सब, तो क्या हो जाएगा आपको सटीक देखिए तो इसका क्या होगा, तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का आंसर होगा आपका बी ही सटीक है सही है, और इसके अलावा ऐसा नहीं लिखा जाता पिटिएबल, ठीक है। तो फिर टेबल मतलब आपको पता है ना, मासूम, मासूम दयावा जो भी हो। ओके गुड, चलिए आपको आगे बताते हैं, तो मासूम जो भी होगा ना पीटीएबल दे, तो क्या हो जाएगा पीटीएबल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दे पीटीएबल, आपको भी पता है कि इसका क्या होता है दयनीय होता है, दयनीय स्थिति कंडीशन पीटीएबल कंडीशन, तो इसका जो सटीक होगा और सब आप कहोगे आपको भी पता है कि गलत होंगे। फिर करें ओकेजन, तो सॉरी ओकेजन कहाँ पे दिया, यहाँ पे तो ओकेजन हमको लगता ही होगा नहीं, ओकेजन का ओकेजन की यहाँ पे ओकेजन्स का ये भी नहीं होगा आपको मेरे ख्याल से, जा सॉरी मेरे ये नाम सब काट रहे हैं, रुक जाए एक मिनट। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा आपको सी होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, ओकेजन, ओकेजन के इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब होता है अवसर, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको भी पता है बाबू कि पिछला हम उसमें हम कॉम्प्रिहेंसन कराया, कॉम्प्रिहेंसन कराया आप लोग देख लीजिए यूट्यूब पे, कोई टीचर नहीं करा रहा है बाबू, कॉम्प्रिहेंसन कराया, क्लोज टेस्ट कराया, इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया है, आपको अपोजिट कराया है, करेक्ट स्पेल्ड कराया है, समझ गए बाबू आप लोग, इतना तो हो गया। और उसके बाद आपका जो भी बेस्ट एक्सप्रेस कराया फॉर अल्टरनेटिव वर्ड वाला, और उसके बाद आपका आइडम फ्रेज और आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, तो ये सब बच रहा है, ये सब आपका फिर नेक्स्ट पार्ट 3 में डाल देंगे। और तब तक थैंक यू सो मच, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो डाले तो आप लोगों के पास पहुँच जाए, और अच्छा से मन लगा के मेहनत कीजिए, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिले हमको ऐसा हम मतलब विश्वास है, और सबको मेरे साथ मतलब जुड़े रहिए, इंडिया के किसी भी नर्सिंग एग्जाम में कब क्या कट ऑफ आ रहा है, किसका प्रिपरेशन कैसे होगा, इसके लिए बाबू आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बाबू कर दीजिएगा याद से। ओके बाय।